बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री का जयंती मनाया गया। पूर्व सीएम के 107वीं जयंती के मौके पर पूर्णिया के बैरगाछी स्थित उनके आवास पर जमुई सांसद चिराग पासवान पहुंचे, जहां दिवंगत भोला पासवान शास्त्री के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री और उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के संबंध काफी अच्छे थे। उन लोगों की विचारधारा दलित समुदाय के प्रति उत्थान की ओर थी। आज जयंती है, आईडी नीचे कीजिए। यहाँ उनके पैतृक गांव आया हूँ, उनके परिवार के सदस्यों के साथ आज हम लोग समय बिताएंगे। स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी न सिर्फ एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, न सिर्फ वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बल्कि उन्होंने देश और प्रदेश निर्माण में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई। सादगी भरा जीवन और अपनी ईमानदारी के लिए स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी जाने जाते थे, और उन्होंने जिस तरीके से समाज के गरीब दलित शोषित पिछड़ा वर्ग के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए जो उनका योगदान रहा, वो अभूतपूर्व है और उसे आने वाला समय भी कभी उसे भुला नहीं पाएगा। उनके मेरे परिवार के साथ मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहे, पारिवारिक संबंध हम लोग के अच्छे रहे। मेरे नेता ने हमेशा ये प्रयास किया कि स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी के निधन के बाद उनके परिवार के साथ हर सुख दुख की घड़ी में हम लोग खड़े रहे। उन्होंने भी कई बार हर संभव कोशिश की स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी के परिवार को हर वो संभव सुख सुविधा मुहैया कराने की, जिसका ये परिवार हकदार है। आज जब ये दोनों नेता हमारे बीच में नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है, और खासतौर पर ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आज मेरे नेता होते जो कार्य वो करते, आज उनके नहीं रहने पर तमाम उन कार्यों को मैं जरूर पूरा करूं। मेरे नेता अगर आज होते तो जरूर आज यहाँ पर आते, परिवार के साथ अपना समय बिताते। आज उनकी अनुपस्थिति में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, परिवार के साथ आज हम लोग समय बिताएंगे। रात्रि का भोजन, रात्रि का विश्राम यही परिवार के सदस्यों के साथ ही है। रात भर हम लोग बैठेंगे, जहाँ एक तरफ पुरानी बातों को याद किया जाएगा कि किस तरीके से दोनों नेता ने संघर्ष किया और इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि समाज के गरीब वंचित दलित शोषित पिछड़े वर्ग को कैसे मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, तो वहीं आने वाले समय में इन दोनों नेताओं की सोच को हम लोग कैसे जन जन तक पहुंचा सके, उनकी विचारधारा को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सके, इसको लेकर हम लोग की क्या रणनीति हो, उसको भी लेकर आज परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर रात भर विचार विमर्श होगा। पूरा समय आज मेरा सिर्फ उनके परिवार के लिए है, उनके पैतृक गांव के लोगों के लिए है, और आने वाले समय में क्या क्या कार्य अधूरे हैं जिसको हम लोग पूरा कर सकें, उसको लेकर आगे की रणनीति बनाने को लेकर है, आगे की योजना बनाने को लेकर। चिराग जी, आज से 10-12 साल पहले आपके पिताजी भी यहाँ आए हुए थे, तो कैसा लग रहा है इस भूमि पे आके? नहीं, बिल्कुल, मेरे नेता भी यहाँ पर आए थे, मेरे पिताजी भी यहाँ पर आए थे, और जब जब वो नहीं आ पाए तब तब उन्होंने हर वो संभव मदद पहुँचाने का उन्होंने प्रयास किया परिवार के प्रति। और जैसा मैंने कहा कि उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं के संस्कार है मुझ में। आज अगर मेरे नेता जीवित होते तो जरूर चाहते कि मैं यहाँ पर आऊँ, पर आज जब वो नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उन्हीं के अधूरे कार्यों को पूरा करना मेरा लक्ष्य है। आज मैं यहाँ अपने परिवार के सदस्यों के बीच हूँ, जैसा मैंने कहा कि पूरा समय इनके साथ बिताकर आने वाले समय में हम लोग की क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर चर्चा होगी। मेरे नेता भी यहाँ पर आए थे, मेरे पिताजी भी यहाँ पर आए थे, और जब जब वो नहीं आ पाए तब तब उन्होंने हर वो संभव मदद पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया परिवार के प्रति। जैसा मैंने कहा कि उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में। आज अगर मेरे नेता जीवित होते तो ज़रूर चाहते कि मैं यहाँ पर आऊँ, पर आज जब वो नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उन्हीं के अधूरे कार्यों को पूरा करना मेरा लक्ष्य है। आज मैं यहाँ अपने परिवार के सदस्यों के बीच हूँ, जैसा मैंने कहा
कि पूरा समय इनके साथ बिताकर आने वाले समय में हम लोग की क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री होने के साथ साथ 3 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने साधारण जीवन व्यतीत किया था।